विस्तक के प्रीमियम मेंबर्स को मिलेगा एक और फायदा, रोज सुबह 10 बजे कमाई वाला ऑप्शन विस्तक के कम्युनिटी पोस्ट पर, तो हो जाइए तैयार क्योंकि जो यहाँ है वो कहीं और नहीं मिलेगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कीजिए YouTube पर विस्तक प्रीमियम मेंबरशिप। देश की दिग्गज आईटी कंपनी इंफोसिस के को-फाउंडर नंदन नीलेकणी को कौन नहीं जानता। वे लंबे वक्त के इंफोसिस के सीईओ भी रहे और कंपनी के फाउंडर एनआर नारायण मूर्ति के अहम सहयोगी भी रहे। नंदन नीलेकणी को देश में आधार लाने का क्रेडिट भी दिया जाता है। खैर, अब नीलेकणी ने एक बड़ा फैसला लिया है और इससे पूरे देश में उनकी इज्जत और बढ़ गई है। असल में नंदन नीलेकणी ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी आईआईटी बॉम्बे को इतनी बड़ी रकम दी है जिससे सुनकर आप चौंक जाएंगे। नीलेकणी ने इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी के इस प्रतिष्ठित संस्थान को 315 करोड़ रुपए दान दे दिए हैं। इसी आईआईटी से नंदन नीलेकणी ने पढ़ाई की थी। भारत में किसी पूर्व छात्र की अपने संस्थान को दी गई संभवतः ये सबसे बड़ी रकम है। ऐसा नहीं है कि नीलेकणी ने पहली दफा आईआईटी बॉम्बे को दान दिया हो, इससे पहले भी वे संस्थान को 85 करोड़ रुपए दे चुके हैं। इस तरह से नीलेकणी अब तक आईआईटी बॉम्बे को 400 करोड़ रुपए का दान दे चुके हैं। नीलेकणी का संस्थान के साथ जुड़ाव का ये 50वां साल है। एक बयान में कहा गया है कि इस डोनेशन से आईआईटी बॉम्बे का वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने, इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी के उभरते एरियाज में रिसर्च और संस्थान में डीप टेक स्टार्टअप्स का एक बेहतर इकोसिस्टम तैयार करने में ये फंडिंग काम आएगी। नीलेकणी के अलावा आईटी सेक्टर के कई और दिग्गज भी देश के महत्वपूर्ण साइंस और टेक्नोलॉजी संस्थानों को बड़े डोनेशन दे चुके हैं। हालांकि नीलेकणी का मौजूदा डोनेशन अब तक का सबसे बड़ा दान है। इन्फोसिस के एक और को फाउंडर क्रिस गोपाल कृष्णन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस को 225 करोड़ रुपए और आईआईटी मद्रास को 60 करोड़ रुपए दान दे चुके हैं। पिछले साल माइंडट्री के सुब्रतो बागची और एनएस पार्थ सारथी ने आईआईएससी को 425 करोड़ रुपए दान दिए थे। वहीं क्विज कॉर्प के सीईओ अजीत इसाक भी आईआईएससी को 105 करोड़ रुपए का डोनेशन दे चुके हैं। आईटी इंडस्ट्री के दिग्गज और हैप्पीस्ट माइंड के सीईओ अशोक सुट्टा ने आईआईटी रुड़की को 20 करोड़ रुपए का डोनेशन दिया था। नीलेकणी ने एक ट्वीट में कहा है कि आईआईटी बॉम्बे मेरे जीवन का एक अहम चरण रहा है और यहाँ से मेरे सफर की बुनियाद पड़ी है। मुझे इस प्रतिष्ठित संस्थान से जुड़े 50 साल हो रहे हैं, ऐसे में इसके भविष्य के लिए योगदान देकर मुझे खुशी है। ये डोनेशन महज एक फाइनेंशियल कॉन्ट्रीब्यूशन से कहीं ज्यादा है, इसलिए इस संस्थान को धन्यवाद है जिससे मुझे बहुत कुछ मिला है। आईआईटी बॉम्बे का प्लान अगले 5 साल में 50 करोड़ डॉलर जुटाने का है और नीलेकणी के दिए 315 करोड़ रुपए इसी प्लान का एक हिस्सा है। अगले एक दशक में आईआईटी बॉम्बे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ग्रीन एनर्जी, क्वांटम कंप्यूटिंग और दूसरे क्षेत्रों में वर्ल्ड क्लास सेंटर ऑफ एक्सलेंस बनाना चाहती है। संस्थान का इरादा डीप टेक स्टार्टअप इकोसिस्टम भी तैयार करना है, साथ ही स्टूडेंट्स और फैकल्टी के लिए बेहतरीन रिसर्च, लिविंग और एकेडमिक सुविधाएं भी तैयार करना संस्थान का मकसद है। नीलेकणी इससे पहले 85 करोड़ रुपए का डोनेशन नए हॉस्टल तैयार करने, स्कूल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की को फाइनेंसिंग और देश के पहले यूनिवर्सिटी इनक्यूबेटर को खड़ा करने के लिए दे चुके हैं।